हाय, मैं शीतल एंड स्वागत है आपका कर्ली चॉप्स चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर पुलाव। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है एंड इट्स अ परफेक्ट लंच बॉक्स रेसिपी। आइए बनाते हैं इजी पीजी पनीर पुलाव। पनीर पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल ले लिए हैं। ये बासमती राइस है, आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 बार भुने के बाद यहाँ पे मैं इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। अब मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है और इसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड कर दूंगी। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। हल्का सा जब ये पिघल जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, तो मैं इसमें अपने पनीर क्यूब्स 200 ग्राम कट किए हुए डाल दूंगी। एक एक करके सारे ऐसे ही डाल दीजिए। और इस टाइम पे मेरा फ्लेम एकदम लो पे है क्योंकि पनीर जल्दी फ्राई हो जाता है। इसे लो पर ही पकाएं क्योंकि थोड़ा जलने का चांस रहता है। धीरे धीरे बीच बीच में चेक कीजिए, देखिए ये कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें दूसरी साइड से भी इसी तरह पका लूंगी। ऑलमोस्ट हमारा हो ही चुका है पनीर स्टर फ्राई। अब मैं धीरे धीरे एक एक करके इनको निकाल लूंगी। इसके बाद सेम ही पैन में हम 10 से 15 कैश्यू लेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। इसे भी हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ये भी हम लो फ्लेम में ही कर रहे हैं। इसे भी अब निकाल लें और एक प्लेट में साइड में रख दी। इस रेसिपी को हम कुकर में बनाएंगे, तो एक कुकर में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और इसी के साथ अब मैं लो फ्लेम में रख के इसमें जीरा डाल रही हूँ। हल्का सा जीरा को रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा सा भुन जाए तो ये खड़े मसाले लेंगे। अब हम इन्हें भी ऐड कर देंगे। सारे खड़े मसाले मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। यह हमने ले लिया है एक मीडियम साइज अनियन जिसे लंबा काटा है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे सुनहरा होने तक, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया में आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 इंच अदरक लिया है जिसे जूलियन में काट के डाल दिया है। इसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। सब चीज़ें अब फ्राई हो गई हैं, तो अब मैं 1 से 2 हरी मिर्च स्लिट करके डाल दूँ। 1 कप मटर डाल रहे हैं, आप फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये फ्रोजन है। थोड़ी सी मिक्स वेज लेंगे, कैरेट, कैप्सिकम और पेपर, और डाल देंगे। नमक डालिए स्वाद के अनुसार। यहाँ मैं अपनी थोड़ी सी निंजा टेक्निक दिखाते हुए इसको स्टर फ्राई कर रही हूँ। पुलाव में हम ज़्यादा मसाले नहीं डालते, ये मेरे स्वाद के अनुसार मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, आप कोई और मसाला भी डाल सकते हैं। बस अब हम ऐड कर देंगे अपने भीगे हुए चावल जो 30 मिनट के लिए हमने भिगाए थे और स्टर फ्राई पनीर, एंड इसी के साथ अब हम कैश्यू स्टर फ्राई भी ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लीजिए। चावल गीले हैं, टूट सकते हैं, तो ध्यान रखिए। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट, एडिंग वाटर। जब भी हम कुकर में बनाएं तो जितना भी हमने राइस लिया है उसका 1.5 गुना पानी डालें। अब हम यहाँ 1/2 लेमन ऐड करेंगे, इससे हमारा राइस खिला खिला बनेगा। फ्लेम को मीडियम रखें और एक बॉयल आने दें, फिर कुकर का लिड लगा दें और फ्लेम हाई करके 1 विसल के बाद फ्लेम ऑफ कर दें। हमने यहाँ 1 विसल में कुकर को बंद कर दिया था और अब स्टीम रिलीज हो गई है, तो चलिए देखते हैं राइस कैसे बने हैं। देखिए कितना खिला खिला पुलाव बना है। अब आप नीचे के चावल आराम से ऊपर कर दीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख दीजिए। लग रहा है ना यमी? चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इसे हम पापड़, अचार, चटनी, रायता किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको ये सिंपल रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।